विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। आज टीएल की जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, वे आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं ताकि हमारे विभाग का काम विधिवत गति से और आराम से हो सके। टीएल सीएम हेल्पलाइन में काफ़ी चर्चा की गई है, वो जो 50 दिन से ऊपर हैं या ज़्यादा शिकायतें लंबित हैं उनके लिए मैं श्री आर के सिंह तथा के चौरसिया जी को निर्देशित करता हूँ कि सभी SADO से संपर्क करके और अपनी अपनी CM हेल्पलाइन का निराकरण कराएं। अनअटेंडेड CM हेल्पलाइन श्री SP कारपेंटर की हैं, वो भी अपने CM हेल्पलाइन को निराकरण कराएं, अन्यथा उनको नोटिस जारी करने की निर्देश वहाँ पर दिए गए थे। इसके बाद आती है कि जो खुले बोर और बावड़ी हैं हमारे कृषि कार्यालय कैंपस में, चाहे वो SADO ऑफिस हो या SDO ऑफिस हो या ESC ऑफिस हो, उनके संबंधी अधिकारी अपने कैंपस में विजिट करके इसका एक प्रमाण पत्र वरिष्ठालय को भेजें कि बावड़ी को या कुएं को विधिवत बंद कर दिया गया है या उसमें जरूरी कार्रवाई की गई। यदि इस तरह से कोई संरचना ना हो तो निरंक की जानकारी सोमवार तक उपलब्ध कराएं। इसके बाद निर्देशित किया गया है कि लवकुश नगर तथा गौरीहार विकास खंड में जहाँ भी नहर का पानी जा रहा है, यदि नहर का पानी हमारे किसानों के खेत में भर रहा हो तो उन किसानों के नाम और जानकारी से SADO और SDO लवकुश नगर अवगत कराएं ताकि कलेक्टर साहब को ये जानकारी दी जा सके, उसमें WRD विभाग के द्वारा जरूरी कार्रवाई की जा सके। तो इस तरह से ये हमारे कुछ विशेष निर्देश थे जो मैंने सभी के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है और ये हमारे विभाग के लिए एक नई तकनीक मैंने यहाँ तई वो की है कि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी जानकारी मिले और कौन सी जानकारी हमें भेजी जाना है उसकी सूचना हमारे अधिकारियों तक जल्दी पहुँचे और जानकारी वरिष्ठालय को जल्दी मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।